आज हम 400 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड बनाएंगे जिसमें बहुत कम कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं और ट्रांजिस्टर इसमें 5200 और 1943 लगे हुए हैं दोनों प्रकार के NPN और PNP। तो आइए शुरू करते हैं। ये PCB हमने PCBWay.com से बनवा कर मंगवाया। इसके साथ आया कुछ और सामान भी। ये कैसे हमें मिला इसके बारे में जानकारी दे दूं। ये PCBWay.com की गिफ्ट शॉप से मिला है। जब भी हम PCBWay.com से PCB परचेज करते हैं तो कुछ बीन्स हमारे वॉलेट में आ जाते हैं। बीन्स मतलब कुछ पॉइंट मिल जाते हैं आपको, तो उस पॉइंट से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आप साइट में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है इतने डॉलर का सामान या इतने बीन्स लगेंगे, उसमें आप ले सकते हैं। हम जैसे लगातार हम PCB मंगाते हैं, उसके बीन इकट्ठा हो गए थे, वो हमने इसमें सामान मंगा लिया है। और हमेशा की तरह PCB बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनकर आया है। अब माउंटिंग करते हैं। कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, चाहे तो आप YouTube सोर्स से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगेंगे दो जम्पर, दो रेजिस्टेंस लगेंगे 3K3 क्वार्टर वाट में ही, और तीन रेजिस्टेंस है 150 ओम ये भी क्वार्टर वाट में। दो रेजिस्टेंस है 56K एक रेजिस्टेंस 33K एक रेजिस्टेंस 1K एक रेजिस्टेंस 10K एक रेजिस्टेंस है 3300 एक रेजिस्टेंस है 4K7 और 8 रेजिस्टेंस लग रही है हाफ वाट में 2.2 ओम की। एक जीनियर डायोड है 24 वोल्ट में और तीन डायोड लग रहे हैं 4007। दो रेजिस्टेंस 100 ओम किए हैं 1 वाट में। एक रेजिस्टेंस है 4K7 ये भी 1 वाट में। एक रेजिस्टेंस है 10 ओम 2 वाट में ही। दो कैपेसिटर हैं 470 PF जिस पर 471 प्रिंट रहता है, और दो कैपेसिटर हैं 100 PF जिस पर 101 प्रिंट रहता है। दो ट्रांजिस्टर हैं C2229 और दो ट्रांजिस्टर हैं A1015। और एक ट्रांजिस्टर है C1815। दो कैपेसिटर हैं 47 UF 50 वोल्ट में है, इसमें प्लस माइनस होता है देखकर लगाएंगे।
एक कैपेसिटर है 0.47 UF जिस पर 474 प्रिंट रहता है 250 वोल्ट में। ये एक कैपेसिटर है 0.1 UF जिस पर 104 प्रिंट रहता है, ये भी 250 वोल्ट में। और 8 रेजिस्टेंस लग रही है 5 वाट में 0.25 ओम की। एक है ब्रिज रेक्टिफायर, एक ट्रांजिस्टर है TIP42C और एक कनेक्टर है 3 पिन का 5 mm में स्क्रू वाला, और एक कनेक्टर है 2 पिन में स्क्रू वाला। एक ऑडियो के लिए कनेक्टर है, एक ट्रांजिस्टर लगेगा A1941। इस प्रकार से चिमटी की सहायता से मोड़ लेंगे। 4 ट्रांजिस्टर है 2SA1943, सभी ट्रांजिस्टर मोड़ लेंगे। एक ट्रांजिस्टर है 5198, 4 ट्रांजिस्टर है 2SC5200, 1 10 ओम की 5 वाट रेजिस्टेंस के ऊपर कॉइल बनाकर लगा लेंगे। 16 गेज की वायर लेकर कोई पाइप या बोल्ट पर इस प्रकार से लपेट देंगे और रेजिस्टेंस थोड़ी मोटी है, इसे थोड़ा साइड साइड से घिस लेंगे इस प्रकार से फिट आ जाएगी। इसे लगा लेते हैं। दो कैपेसिटर हैं 10,000 UF में 100 वोल्ट में, ये 80 वोल्ट में भी चल जाएगा। यहाँ पर 80 वोल्ट से कम का नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफार्मर 55055 लगेगा इसमें। अब हम बोर्ड को पलटकर कटिंग सोल्डिंग करेंगे। कंपोनेंट्स गिर जाते हैं, जो लूज हैं उन्हें निकाल लेते हैं, बाद में लगा लेंगे ना। अब करेंगे कटिंग, उसके बाद सोल्डरिंग। अब इस पे लगाया हमने लिक्विड फ्लक्स, आप चाहें तो सोल्डरिंग पेस्ट भी लगा सकते हैं। अब करते हैं सोल्डरिंग। जो कंपोनेंट्स हमारे निकल गए थे उन्हें भी लगा लेते हैं। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं।
अब इसमें हीट सिंक लगाने के लिए हम एक एंगल लगा देंगे। ये 1x1.5 इंच का एल्युमिनियम का एंगल है, किसी भी एल्युमिनियम की दुकान पर मिल जाएगा आपको, जो डोर वगैरह बनाते हैं एल्युमिनियम के। इस एंगल को बराबर काट लेंगे हम, जो हमने काट लिया है, और इसे रखकर ट्रांजिस्टर के होल के निशान लगा लेंगे। एंगल लगाने का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी हीट सिंक में इसे अटैच कर सकते हैं। फिर ड्रिल से होल कर देंगे। होल करने पे कटिंग बाहर को आ जाती है, इस प्रकार मोटी बिट से साफ कर लेंगे, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर सकती है हीट सिंक से। अब ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच में लगाएंगे माइका। माइका लगाने के लिए लगा लेते हैं कंपाउंड। दो ट्रांजिस्टर हमारे छोटे हैं तो ये माइका बड़े साइज में है, इसे काट लेते हैं और बाकी वैसे ही लगा देनी है। अब स्क्रू और नट से इसे टाइट कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी हीट सिंक आसानी से अटैच हो जाएगी। इस प्रकार से आप हीट सिंक लगा सकते हैं। हीट सिंक लगाते हुए दिखाने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, तो हम ऐसे टेस्ट कर लेते हैं इसे। यह ऑक्स सॉकेट फोन से कनेक्ट करने के लिए, ये कनेक्ट कर देते हैं इस पर। ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर 55055 का 8 एम्पियर का। अगर आपको 2 वोल्ट लगाने ऐसे ही अपने एम्पलीफायर में, तो आपको 16 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए। ये अटैच कर लेते हैं ट्रांसफार्मर। हमारे पास 15 इंची स्पीकर के 2 कॉलम हैं, उनकी वायर है, ये आपस में जोड़ लेते हैं। और अब इसे कस लेते हैं इसमें। अब ऑक्स लीड लगाते हैं। वॉल्यूम इसमें फोन का ही काम करेगा, अलग से हमने वॉल्यूम नहीं लगाया। जब हम कंप्लीट बनाएंगे एम्पलीफायर, तब उसमें लगाएंगे।
प्ले करेंगे हम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।